जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2030 का 30वां महामुकाबला गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला जाएगा, जो कि ये गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के शुरू होने से पहले ही इन दोनों ही टीमों ने अपने प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स बैटल और इस मैच को कौन जीत सकता है, क्या इस मैच को गुजरात टाइटन जीतेगी या फिर जीतेगी राजस्थान रॉयल की टीम, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ गुजरात टाइटन की टीम अपने पिछले मुकाबले में पंजाब जैसी मजबूत टीम के सामने जीत कर आ रही है, तो वही दोस्तों राजस्थान रॉयल भी अपना पिछला मुकाबला सीएसके जैसी मजबूत टीम के सामने जीत के यहां पहुंची है। और इस मुकाबले को जीतने के लिए ये दोनों ही टीमें अपना पूरा जी जान लगाने वाले हैं। इसलिए तो आज का ये महामुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैच जीतने के लिए पिच रिपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला जाएगा, जो कि गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड है। बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पे 165 से लेकर 180 तक के आसपास का आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल। फर्स्ट इनिंग का हाइएस्ट स्कोर इस स्टेडियम में 234 रन का रहा है, वहीं लोएस्ट की बात करें तो 66 रन है। बात करें इस स्टेडियम में खेले गए इंटरनेशनल T20 मुकाबले की, तो इस स्टेडियम में अब तक 10 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 मुकाबले जीते गए हैं, जबकि 4 मुकाबले दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। बात करें स्टेडियम में खेले गए लास्ट के मुकाबले की, तो गुजरात टाइटन और KKR के बीच खेला गया था, तो इस मुकाबले में KKR ने दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए ये मुकाबला जीत लिया था। इस पिच पर टॉस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस पिच पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के पेस बॉलरों को अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, जिसकी वजह से शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजों फायदा हो सकता है। ये पिच बल्लेबाजी के लिए भी बेहतर है। अगर कोई भी बल्लेबाज थोड़ा संभाल के खेल ले, तो फिर बल्ले पे बॉल आसानी से आ सकता है और वो अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर सकता है। वहीं अगर पिछला मुकाबला देखा जाए, तो दूसरी पारी में जीत की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही। गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड होने के नाते गुजरात टाइटन के जीतने के चांस ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करें दोनों टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 की। तो इस टीम में रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, मिलर, राहुल टिवेटिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सामी, मोहित शर्मा और जोशुआ लिटल जैसे खूंखार बल्लेबाज और गेंदबाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, पाडिक्कल, संजू सैमसन, अश्विन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, होल्डर, एडम जंपा, कुलदीप सैन, संदीप शर्मा और चहल जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं।